चीन तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 59 चाइनीज ऐप पर रोक लगाने का फैसला किया है। टिकटॉक के साथ हेलो और कैम स्कैनर जैसी प्रचलित ऐप भी शामिल है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद से ही टिकटॉक ऐप को बैन करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि चाइना टिकटॉक और अन्य चाइनीज ऐप के जरिए भारत के लोगों की निजी जानकारी ले रहा था। भारत में टिकटॉक अन्य ऐप से ज्यादा प्रचलित है। भारत में इसे इस्तेमाल करने वालों की संख्या करोड़ों में है। लेकिन टिकटॉक के बैन होने के बाद जहां एक तरफ टिकटॉक स्टार्स का दिल टूटा है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकटॉक यूजर्स सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले की भी सराहना कर रहे हैं। गोरखपुर की रहने वाली रिंकी यादव उर्फ स्वीटी टिकटॉक पर काफी एक्टिव रहती थी और टिकटॉक पर उनके 30,000 फॉलोअर्स भी थे, लेकिन उन्होंने सरकार द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन किया। अभी क्या कहना चाहूँगी, अभी सरकार का फैसला है तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, और सरकार भी अच्छे के लिए कर रही है, पहले हम अपना देश देखेंगे। पहले देश देखेंगे फिर एक्टिंग बाद में करेंगे। एक्टिंग के लिए बहुत टाइम है, देश बचा रहेगा तो बहुत एक्टिंग करने को मिलेगा। अच्छा है, बंद करने का? हाँ बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि भारत में बहुत सारे वो हो रहे थे, बहुत तनाव है चाइना से, तो बंद करना ही ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ टिकटॉक से मशहूर हुए फैज अहमद ने सरकार द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि टिकटॉक पर उनके लगभग 2,00,000 फॉलोअर हैं और वो टिकटॉक के जरिए अच्छे पैसे भी कमा लेते थे, लेकिन सरकार ने चीन के खिलाफ जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है। आई थिंक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो जजमेंट है वो आई थिंक ठीक ही है, क्योंकि हाँ ये तो है, हम लोग को पॉपुलरिटी तो बहुत मिली है गोरखपुर में। आज इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कहीं भी जाते हैं मुझे लोग बाई नेम बाई फेस पहचानते हैं गोरखपुर में, लेकिन मैं गवर्नमेंट के साथ जाना चाहता हूँ, सहमत हूँ मैं गवर्नमेंट के साथ। नहीं, पहले तो मैं देश को चूज़ करूँगा। टिकटॉक को तो दैट्स अदर मैटर है, वो मेरा जैसे प्रोफेशनल वर्क है, मैं जैसे एज अ स्टूडेंट हूँ, एमबीए स्टूडेंट हूँ, एमबीए भी करता हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, लेकिन ये हाँ बिल्कुल मैं मोदी जी के साथ जाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, वाई नॉट, श्योर। और सुनने में भी आ रहा है कि 2-3 ऐप्स आ रहा है, एक टिक टिक करके है और एक चिंगारी करके है और एक आई थिंक नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो भी ऐप्स है। टिकटॉक पर एक्टिव रहने वाले लोग भी सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं उनका कहना है कि उन्हें टिकटॉक जैसी ऐप के आने का इंतजार भी है। पंजाब केसरी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।